हेलो, राम राम जी। सारन है, आप सबका स्वागत है किचन रेसिपीज ऑफिशियल में। दोस्तों, गवार फली का नाम तो आपने सुना होगा, जिसे क्लस्टर बीन्स भी कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे गवार फली की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ में बहुत हेल्दी भी होती है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गवार फली ली है, जिन्हें अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब चाकू की सहायता से इसके दोनों साइड के किनारों को काटकर इनके रेशे को हटा देंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ताजी और पतली बीन्स को लिया है, इसलिए इनमें रेशा नहीं है। अगर आपके पास मोटी बीन्स है तो आप उसके रेशे को हटा दें, जिससे वह खाते समय आपके मुंह में आएगा और खाने के स्वाद को खराब कर देगा। अब बीन्स को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। अब यहाँ पर मैंने एक पीतल के बर्तन में पानी को उबालने के लिए रख दिया था, और जैसे ही यह पानी उबलने लगा तब इसमें सारी फलियों को डालकर 5 मिनट तक इन्हें ढककर बॉयल होने दें। अब बीन्स को बॉयल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इनका थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब इन्हें एक छलनी की सहायता से छान लें और इसके पानी को अलग रख दें। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सरसों तेल को कढ़ाई में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बारीक कटी हरी मिर्च डालकर इनको हल्का सा भून लें। इसके बाद इसमें 2 बारीक कटे प्याज डालकर इन्हें 1 मिनट तक भून लें। इसके बाद इसमें 4 कटे हुए आलुओं को डाल दिया है। अब धीमी आँच पर आलू को ढककर गलने तक पकने दें। अब आलू और प्याज को भूनते हुए थोड़ा टाइम हो गया है और आलू भी हमारे अच्छे से पक गए हैं और प्याज का कलर भी ब्राउन हो गया है। अब इसमें 2 बड़े साइज के कटे हुए टमाटर डाल दें। इसके बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार सेंधा नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मसालों को अच्छे से भून लें। जब मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं, तब इसमें 2 चम्मच फ्रेश दही डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि दही डालने से हमारी सब्जी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें बॉयल की हुई बीन्स को डालकर इसे चम्मच की सहायता से मिक्स करके 2 मिनट तक पकने दें। इसके बाद इसमें जो बीन्स का बॉयल किया हुआ पानी बचा था, उसे 1/2 कटोरी सब्जी में डालकर इसे चम्मच की सहायता से मिक्स करके उसके बाद इसे 5 से 7 मिनट तक ढककर पकने दें। अब सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें। कसूरी मेथी डालने से हमारी सब्जी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो दोस्तों, फाइनली अब यहाँ पर हमारी आलू बीन्स की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और यह बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।